नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो। इसमें जो है एक होम थिएटर है, आई वॉल हेवी बेस थंडर 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर है। ये मैं अमेजोन से मंगवाया था, 1999 का इसका पड़ा है MRP। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड इसका पूरा रिव्यू आपको देने वाला हूँ। इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है, कितने रुपये का ये पड़ा है एंड ये जो है 2 डे डिलीवरी हो गया है, 80 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनबॉक्स हो चुका है। इसके अंदर जो है हमें ये बिल मिलते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये बिल है 1999 का पड़ा है अमेजोन के ऊपर। ये हमेशा ऑफर चलता रहता है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। पैकेजिंग की अगर बात करूँ, बहुत अच्छा पैकेजिंग है एंड इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। इसे साइड में कर देता हूँ एंड फ्रेंड्स, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं ये आई वॉल की होम थिएटर, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके भी इसे परचेस कर सकते हो। अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं आई वॉल की ब्रांडिंग है, इसमें फ़ोटो है, रिमोट है, आई वॉल थंडर 2.1 है, पावरफुल 2.1 कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इस तरफ कुछ नहीं है, आई की लोगो है, इसका नाम लिखा हुआ है। अगर इस तरफ की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आई वॉल की ब्रांडिंग है इसमें एंड इसमें जो है फीचर्स की बात करूँ, अगर 40 वाट की 2.1 स्पीकर है, RGB लाइट के साथ आता है। अगर मल्टीमीडिया इनपुट की बात करूँ, ब्लूटूथ है, USB है, SD कार्ड है, ऑक्स केबल है एंड FM है। ये सारे फीचर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डीप बेस स्टीरियो एंड साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ रिमोट विथ बेस टेबल कंट्रोल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी बॉक्स प्राइसिंग की बात करूँ, ये 3000 रुपये का है, लेकिन आपको अमेजोन के ऊपर ये हमेशा ऑफर चलता रहता है, आपको 2000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ कुछ नहीं है, अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, आप बाकी इसे अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की जो पैकेजिंग है, ऐसे एक आपको स्लॉट मिलेगा। इसमें जो है दो जो बॉक्स है, इसे साइड में रखता हूँ, अभी इसको दिखाऊंगा ओपन करके। इसके बाद अगर केबल की बात करूँ, यहाँ पे ये केबल हमें मिलता है, ऑक्स केबल है मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ ये रिमोट हमें यहाँ पे मिलता है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। अंदर आप देख सकते हो इसका जो मेन बॉक्स है, इसमें और कुछ नहीं है, खाली है। ये जो है इसका मेन बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हो स्टिकर लगा हुआ है। ये जो व्हाइट कलर की जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं, ये RGB लाइट है। अगर इसकी फीचर्स की बात करूँ, इस तरफ SD कार्ड, USB केबल यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मल्टीमीडिया की है और यहाँ पे साउंड बढ़ाना या कमाना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आई वॉल की लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरफ जो है एयरपास के लिए रखा हुआ है। इसमें और एक ख़ास बात है, इसके अंदर जो है एक जाली लगा हुआ है और पीछे की अगर यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पावर ऑफ ऑन का बटन है, FM के केबल है यहाँ पे एंड यहाँ पे दो इनपुट एंड दो आउटपुट की यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी पीछे भी आई वॉल की लोगो है
आईबॉल थंडर 2.1। इसमें और कुछ खास नहीं है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ये जो है बिल्कुल वुडन के ऊपर आपको मिलता है, वुडन फीचर्स के ऊपर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और ये पावर केबल है। अब मैं इसकी जो छोटे बॉक्स से अगर इसकी बात करूँ, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जब मैंने नेट में चेक करा था। पैकेजिंग बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी जो है आईबॉल की लोगो है और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ जो है हमें ये केबल मिलता है और एक रिमोट कंट्रोल रिमोट मिलते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। ये इसका रिमोट है, रिमोट भी जो है काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है ये रिमोट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये यहाँ पे केबल दिया गया है मोबाइल से चलाने के लिए। ये जो है 3.1 ऑडियो जैक है, ये आपको यहाँ पे इनपुट करके इसको चलाना है। ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया ये स्पीकर है, आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हो। इसका जो अमेजोन बेस्ट बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।